हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी कैंपस हो, 10, 12 ITI डिप्लोमा बीटेक, वो मैं हर हाल में लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हुए, एक कंपनी आपकी झारखंड में आ रही है, धनबाद, झारखंड धनबाद में आ रही है दोस्तों। तो जो अभी धनबाद के आसपास और बंगाल बिहार के आसपास है, वो झारखंड अभी आ सकते हैं, ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल है। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हुए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कौन सी कंपनी आ रही है। तो कंपनी का यहाँ पर नाम दोस्तों दिया गया है, ये हमेशा कैंपस लाती है, ये आपकी सुजुकी मोटर इन्वाइट ITI पास आउट एंड अपेयरिंग फॉर डूइंग एक टेम्पोरी वर्कर के हिसाब में, आपको टेम्पोरी वर्कर के हिसाब में रखी गई है। इस पोस्ट का नाम होगा दोस्तों FTC, ठीक है। तो आपको टेम्पोरी वर्कर के वर्किंग के वर्मैन के हिसाब से रखेगी, टेम्पोरी वर्मैन के हिसाब से आपको रखेंगे, ठीक है। पोस्ट का नाम होगा आपका, जो पोस्ट के हिसाब से रहेगा तो FTC रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी है। कंपनी जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लोगो भी देख रहे हैं, सुजुकी, ठीक है, सुजुकी मोटर। ये आपका है, आपका गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। ये आपका प्लांट, आपका वर्किंग प्लेस रहेगा दोस्तों, ये गुजरात में, पर ये कैंपस आ रही है आपका झारखंड धनबाद में आ रही है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या सैलरी, क्या फैसिलिटी इसमें रखा गया है, क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूं तो क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छा दिया गया, आपका 10 पास होना चाहिए। 10 पास में अगर आप मैट्रिक पास किए तो उसमें दोस्तों 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। आप अगर मैट्रिक पास किए हुए हैं, माध्यमिक पास किए हुए हैं, 10 पास किए हैं, तो उसमें 50% आपका होना चाहिए। 50% से कम रहेगा तो नहीं चलेगा, कम से कम आपका 50% इसमें चाहिए। अब प्लस इसमें आपको ITI पास आउट, NCVT वाले भी चलेंगे और SCVT वाले भी चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईयर्स का, तो 2015 से 2020 तक फाइनल ईयर्स एग्ज़ाम या पेंडिंग स्टूडेंट ऑल्सो अप्लाई। इसमें मतलब अगर आप 2015 से अगर पास भी किए या 2020 में कहीं किसी कारण से किसी का पेंडिंग है तो वो भी चलेगा। और ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ट्रेड आपका इसमें इलेक्ट्रीशियन है, और फीटर है, वेल्डर है, ठीक है, और डीजल मैकेनिक अकोपा, ये आपका इतना ही चलेगा। इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, फीटर, वेल्डिंग, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोपा। और इसमें दोस्तों सिर्फ ओनली फॉर मेल अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए इसमें जगह नहीं है, ठीक है। और अगर मैं एज की मैं बात करूँ तो एज काफ़ी कम टाइम दिया गया है दोस्तों, 18 से 23 ईयर्स। तो जिनका 18 से 23 ईयर्स हो चुका है इसमें, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप वर्किंग प्लेस आपका कहाँ है। तो वर्किंग प्लेस आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, वर्किंग प्लेस यहाँ पर दिया है सुजुकी मोटर गुजरात PVT LTD, अब ब्लॉक 334 एंड 335, मतलब 334 एंड 335, विलेज हो जाएगा हंसालपुर और डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका हंसाल, विलेज आपका हंसालपुर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। और आपको सैलरी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो सैलरी इसमें आपको क्या मिलने वाला, तो सैलरी भी काफ़ी एक अच्छा एक अमाउंट मिल रहा है आपको, 17,500 रुपया पर मंथ, ठीक है, 17,500 रुपया आपको मिलेगा। प्लस में आपको कैंटीन भी है, और आपको यहाँ पर डोरमेट्री फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, सब्सिडी दर पर मिलेगी, मतलब आपको एक सही रेट पर आपको रहने के लिए वहाँ पर रूम मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, इसमें दिया गया राइटिंग टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट भी लिया जाएगा और एक इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू का डेट दोस्तों यहाँ पर 5 अक्टूबर 2020 आपका इंटरव्यू टाइम यहाँ पर है आपका, 5 अक्टूबर 2020 9 AM। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, 5 अक्टूबर अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं, आपका अगर सूटेबल रहता है तो आप जाकर वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। पर इंटरव्यू देने के लिए एक प्रोसेस है, उसको भी आप देख लीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू करने जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो सब ले जाएगा, फिर भी यहाँ पर मेंशन किया गया, आप इसको देख सकते हैं। ITI मार्कशीट आपको इसमें चाहिए, ठीक है, विथ 50% मार्कशीट रहना चाहिए ओरिजिनल, और 3 सेट आप जीरोक्स कॉपी, ओरिजिनल लेके जाइएगा और
तीन सेट आप जीरोक्स कॉपी ले जाइएगा, 12 का मार्क्स सर्टिफिकेट ओरिजिनल तीन सेट, ITI मार्कशीट ओरिजिनल तीन सेट आपका जीरोक्स, और ऑल सेमेस्टर है तो वो भी लेके जाइएगा, पेन कार्ड आधार कार्ड तीन जीरोक्स, और हाल फिलहाल का पासपोर्ट साइज 5 पीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड जीरोक्स। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ओरिजिनल भी लेके जाना और सभी का जीरोक्स तीन तीन पीस आपको ले जाना, फ़ोटो दोस्तों 5 पीस ले जाना है, ठीक है। और अगर कैंपस का कैंपस कहाँ पर आ रही है, तो कैंपस दोस्तों यहाँ पर आ रही है बलियापुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस, ठीक है, सहारापुर बलियापुर रोड सिरदी धनबाद ITI, और पिन कोड हो गया 828122। तो इसको आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उन्होंने कुछ नोटिस दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक छात्र नवीनतम फोटो के साथ अपना रिज्यूम, मतलब रिज्यूम बाय डाटा 3 अक्टूबर तक दिए हुए पते पर जमा करें। मतलब आपको इस पते पे 3 अक्टूबर को आप अपना रिज्यूम इसमें जमा कर दीजिए, उसके बाद 5 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। तो याद रखिए, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो 3 अक्टूबर को अपना रिज्यूम बाय डाटा आप सबमिट कर दीजिएगा उस एड्रेस पे। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर दो कॉन्टेक्ट नंबर दिए, तीन कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, ये तीनों नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सर का नंबर दिया गया है 933, ठीक है, यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं 9993154 9931521647। दूसरा नंबर है दोस्तों 7903716377, और तीसरा नंबर हो गया 6206102640। तो ये तीनों नंबर मैं वीडियो के नीचे भी मेंशन कर दूंगा और एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोककर आप ये नंबर को आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हुए मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, और अपने दोस्त फ्रेंड तक मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और मैं जैसे कैंपस में अपडेट रहता हूँ तो मेरे साथ भी आप कैंपस में अपडेट रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय।